नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ही ऐसा प्रतीत होता है बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसे ही चुनाव परिणाम आए उसके तुरंत बाद ही आरएसएस के प्रमुख नेताओं के बयान बीजेपी के विरोध में आने शुरू हो गए। यह सब वैसे लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन के दौरान ही शुरू हो गया था। बीजेपी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को संघ की यानी आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, यह सब अटल जी के समय में होता था। यानी कि उस समय संघ की आवश्यकता थी, परंतु अब बीजेपी को इसकी आवश्यकता नहीं है। उस समय संघ प्रमुख ने कहा था कि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि संघ के कार्यकर्ता किसी एक पार्टी को ही वोट दें, वो जहां वोट देना चाहें दे सकते हैं। बीजेपी की सीट 240 पर सिमटने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक लंबा चौड़ा बयान और अपना एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए मणिपुर की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया गया है, पिछले एक वर्ष से राज्य शांति के लिए तड़प रहा है, यानी कि एक वर्ष से वहां पर अशांति है। 10 वर्ष पहले मणिपुर में गन कल्चर खत्म हो गया था, परंतु अब दोबारा से ऐसा लगता है कि वहां दोबारा शुरू हो गया है और वहां हिंसा देखी गई है। उनके बयान के बाद आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता, आरएसएस के ही एक सदस्य रतन शारदा जी ने बयान दिया, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जनता की बातें नहीं सुनी, जनता की जो समस्याएं थी उन्हें नहीं सुना और उन्हें टॉप लीडरशिप तक नहीं पहुंचाया, बल्कि वो बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है यानी नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उनके फैन की तरह व्यवहार करते रहे, उनके फैन बनकर घूमते रहे। इसके बाद इंद्रेश कुमार जी, जो आरएसएस के एक प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए इशारों में कहा कि यह सब अहंकार का परिणाम है। भगवान श्री राम के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम न्याय प्रिय हैं और उनके न्याय को इस लोकसभा 2024 के चुनाव में भी देखा गया, और उन्होंने कहा कि अहंकार का सर्वनाश भगवान श्री राम ने 2024 में किया। उन्होंने यह इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। अब बीजेपी के सामने समस्या ये है कि बीजेपी के जो अभी टॉप लीडरशिप है यानी मोदी और शाह, उनको गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अभी तक उन्हें हिंदू जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दी है, तो उनको उसका अनुभव है, परंतु गठबंधन की सरकार किस प्रकार से चलाई जाती है, उसमें किस प्रकार से जो अपने अलायंस हैं वो बना करके रखे जाते हैं, अन्य जो दूसरी पार्टीज हैं जिनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं उनको कैसे मनाकर उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, यह बीजेपी की अभी की टॉप लीडरशिप को इसका कोई अनुभव नहीं है। बीजेपी के अगर 4 या 5 प्रमुख नेताओं को अगर हम देखें तो उनमें हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी स्वयं दूसरे जो पार्टी हैं या उनके नेता हैं उनके विषय में बहुत ही विवादित बयान न जाने कितनी बार दे चुके हैं, संसद से भी दे चुके हैं, संसद से बाहर भी दे चुके हैं। बीजेपी के अभी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उन्होंने तो डायरेक्टली ये ही कह दिया था कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं होता है। अटल जी के समय में आरएसएस संघ की या फिर स्वयं सेवकों की आवश्यकता होती थी, अभी हमें इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उन्हीं के बयान हैं। उसके अलावा अमित शाह जी ने भी नीतीश कुमार जी के विषय में कह दिया था कि उनके लिए एनडीए के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए, बीजेपी के दरवाजे नीतीश बाबू के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, और न जाने कितने बयान हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्मृति ईरानी है, उनके बहुत सारे बयान हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, जैसे उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर संसद के अंदर ही उन पर हमला करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, तो ये सारी चीजें, ये सब बीजेपी के नेताओं का व्यवहार रहा है। ऐसे में बीजेपी की जो समस्या है वो अभी दोगुनी हो चुकी है। एक तो बीजेपी ने अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को, सभी को कहा कि सभी लोग अपने अपने हैंडल में अपने नाम के साथ सोशल मीडिया पे मोदी का परिवार ये लिख दें, जबकि अभी तक संघ का परिवार या फिर आरएसएस का परिवार यही चलता था। तो ऐसे में डायरेक्टली मोदी का परिवार लिख देना और उसके बाद चुनाव परिणाम विपरीत आने के बाद ये कहना कि मोदी का परिवार ये हटा लिया जाए, ये शब्द हटा लिया जाए,
तो ये सब कहीं ना कहीं इशारा करता है कि संघ और बीजेपी के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संघ के पदाधिकारियों के इतने सारे बयान डायरेक्टली आना, सबके सामने आना, यह दर्शाता है कि बीजेपी के अंदर सभी लोग, बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो संघ हो या तक कि बीजेपी के अंदरूनी जो नेता है, वो भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बहुत ज्यादा नाराज है। और जिसमें दो लोगों के नाम सामने आते हैं, मोदी और अमित शाह। तो क्या संघ भी मोदी और अमित शाह से नाराज है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप इस विषय में कमेंट करके लिखिए कि बीजेपी में क्या बदलाव होने चाहिए। क्या बीजेपी में नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए था, या फिर अब बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कद अभी बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी? कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।